हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई डिस्कस्ड लेसन सेकेंड। इससे पहले हम लोग स्टडी किए थे लेसन फर्स्ट का, जिसमें हम लोग ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में रीड किए थे, प्लांट्स का प्रोडक्शंस कैसे होता है। अब हम लोग रीड करेंगे, इससे पहले ये देखे थे कि प्लांट्स का यूज क्या है, मेडिसिन्स में यूज करते हैं, फूड में यूज करते हैं, ऑक्सीजन में यूज करते हैं, ब्रीदिंग लेने में यूज करते हैं, क्लोथ बनाने में यूज करते हैं। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा गया है, ग्रीन फ्रेंड कहा गया है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग रीड किए थे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स सीड्स। अब ये देखते हैं कि यहाँ से है कि वी नो दैट मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। कह रहा है कि जितने सारे प्लांट्स हैं, वन प्लांट में बहुत सारे नंबर्स ऑफ सीड्स होते हैं। दीज सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। फिर वही सीड्स को जब हम लोग कहीं बोते हैं, तो वो फिर न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट होता है। न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अनदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टीम, रूट्स एंड लीव्स। कह रहा है कि जब कोई न्यू प्लांट्स ग्रो होता है, तो उस प्लांट्स के कई पार्ट्स होते हैं, कई भाग होते हैं, जिसमें स्टीम होता है, रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं। तो इसके बारे में अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स कैसे ग्रो करता है, प्लांट्स के सीड्स जो हैं, सीड्स में के किस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या नाम रखेंगे, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वी विल लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कह रहा है कि हम लोग उस चीज़ को जानेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रो करता है सीड्स से। आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोविंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। ग्रोविंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, एक सीड्स से जो है कैसे न्यू प्लांट्स का ग्रोविंग होता है। ए सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स, बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज। कह रहा है कि एक सिंगल प्लांट प्रोड्यूस होता है बहुत सारे सीड्स से, बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। लेकिन सभी सीड्स से जो है न्यू प्लांट्स का ग्रो नहीं हो सकता है। यानी कि एक प्लांट को उगाने के लिए एक सीड्स की आवश्यकता होती है, और सभी सीड्स नए प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, कि सम सीड्स आर इटेन अप बाय बर्ड्स, रेट्स एंड अदर एनिमल्स। कह रहा है कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो बर्ड्स को, एनिमल्स को खाने में चला जाता है, इटेन करने में। सम ऑफ देम मे गेट डिस्ट्रॉयड बाय विंड एंड रेन। कह रहा है सम सीड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है विंड और रेन के थ्रू, डिकम्पोज हो जाता है। सम डू नॉट गेट सफिशियंट एयर, वाटर और वर्म्थ। कुछ ऐसे सीड्स हैं जो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं करते हैं प्लांट्स के रूप में, एयर, वाटर और वर्म्थ के इनसफिशियंट होने पर वो अवेलेबल नहीं होता है। तो प्लांट्स सीड्स से प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वर्म्थ चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ये सभी चीज़ होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स को, सीड्स का स्ट्रक्चर क्या है। सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज में होते हैं, शेप और साइज में होते हैं। ए सीड कंसिस्ट ऑफ द फ्लोविंग पार्ट्स। ए सीड कंसिस्ट ऑफ द फ्लोविंग पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पिक्चर में दिखलाया गया है कि कोई भी सीड्स का सबसे आउटर सरफेस जो होता है उसको सीड कोट बोलते हैं, जहाँ पे ये किसी फ्रूट्स सीड्स जो है किसी स्टीम से
जुड़ा हुआ रहता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं क्या एस्केयर एस्कार बोलते हैं, या वहीं पे एक टिन्नी होल होता है जो सीड्स के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद कोई प्लांट्स जो है मोनोकोटेड होता है, कई सीड्स किसी प्लांट्स के सीड्स जो है मोनोकोटेड होता है, किसी के डाइकोटेड होता है। तो अब हम लोग वन बाय वन करके रीड करेंगे। रखिए, द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। किसी भी सीड्स का जो सबसे आउटर सरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द सीड, सीड को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसी चीज़ से सेफ करता है, बचा के रखता है। ऑन द साइड ऑफ द सीड्स, सीड्स के ये साइड में होता है। देयर इज अ एस्कार, कह रहा है कि सीड्स के साइड में ये जो इस शेप में स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कार बोलते हैं। दिस इज द प्लेस, अभी जस्ट आपको प्रैक्टिकली हम दिखलाएंगे एक सीड्स लेकर के। दिस इज द प्लेस वेयर सीड इज अटैच टू द फ्रूट्स, कह रहा है कि ऐसे सीड्स का प्लेस जो किसी फ्रूट्स से अटैच जब होता है तो उस प्लेस को जो कि सीड्स के टॉप पे होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कार बोलते हैं। देर इज टिन्नी होल, और उसी स्कार के नियर में एक टिन्नी छोटा सा होल होता है, उस होल्स के थ्रू जो है वाटर जो है सीड्स के अंदर इनसाइड होता है, अंदर जाता है। नेक्स्ट है सीड लीव्स कॉटिलेडन्स, सीड लीव्स को क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स बोलते हैं। तो यानी कि कई सीड्स के जो है करते हैं तो दो पार्ट होता है, टू पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, तो कोई सीड्स जो है वन कॉटिलेडन्स होता है, यानी कि वो वन ही पार्ट होता है। इनसाइड सीड लीव्स, इनसाइड द सीड कोट फ्लैशी सीड्स लीव्स और कॉटिलेडन्स आर फाउंड, करें कि जो सीड कोट के अंदर फ्लैशी सीड्स लीव्स होते हैं या कॉटिलेडन्स होते हैं पाया जाता है। फूड फॉर द बेबी प्लांट एम्ब्रियो इज स्टोर्ड इन सीड्स लीव्स, कह रहा है कि एक बेबी प्लांट जब ग्रो करता है तो उसका फूड जो है वो कहाँ स्टोर होता है, सीड लीव्स में स्टोर होता है, यानी कॉटिलेडन्स में स्टोर होता है। दिस बेबी प्लांट लाइज बिटवीन कॉटिलेडन्स, यह बेबी प्लांट जो है कहाँ कॉटिलेडन्स में लाइक करता है, कॉटिलेडन्स में रहता है। ये हो गया आपका बेबी रूट्स नीचे की तरफ। कभी भी जब प्लांट्स ग्रो करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ग्रो होता है, रूट्स ग्रो होता है, उसके बाद उसका शूट ग्रो होता है। तो जो सॉइल के अंदर जाता है उसे रूट्स बोलते हैं, जो सॉइल के ऊपर पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी भी सीड्स से जब प्लांट्स ग्रो होता है तो रूट्स निकलता है फर्स्ट में, उसके बाद शूट निकलता है, यानी कि स्टीम तना है, ये सब। तो ये दिखलाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड्स का, उसके इनसाइड का स्ट्रक्चर टू पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है। तो बेबी प्लांट्स एम्ब्रियो यहाँ से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है जिसको बेबी शूट बोलते हैं, नीचे जो सॉइल में जाता है उसको बेबी रूट्स बोलते हैं। ये सीड लीव्स है, ये टू सीड लीव्स है जिसको हम लोग कॉटिलेडन्स बोलते हैं। ये पिक्चर में जो है दिखलाया गया है, अभी जस्ट हम आपको प्रैक्टिकली ही दिखलाएंगे। कह रहा है द बेबी प्लांट्स लाइज बिटवीन कॉटिलेडन्स, कह रहा है कि बेबी प्लांट्स जो है दो कॉटिलेडन्स के मिडिल में रहता है। इट कंटेंस बेबी रूट रेडिकल, जो बेबी रूट होता है जो सॉइल के अंदर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। और जो सॉइल के ऊपर पार्ट होता है जिसमें स्टीम होता है, लीव्स होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूमल बोलते हैं, जिसको बेबी शूट बोला जाता है। कॉटिलेडन्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट सीड्स लाइक ग्राम पी एंड बीन हैव टू कॉटिलेडन्स, कह रहा है कि ऐसे सीड्स जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन्स हो गया, इसमें टू कॉटिलेडन्स होते हैं। जब टू कॉटिलेडन्स होगा तो उसे क्या बोलेंगे लोग, डाइकोट सीड्स बोलेंगे। सीड्स लाइक राइस मज एंड वेट हैव ओनली वन कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड्स, जिसमें सीड्स का टू पार्ट्स हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो
पॉट सीड्स बोलेंगे, जिसका टू पार्ट्स कन्वर्ट्स हो जाएगा, ऐसे सीड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकॉट सीड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे दिखलाया गया है पिक्चर्स में कि पी सीड्स, उसके बाद डाइकॉट सीड्स, वेट सीड्स, मोनोपॉट सीड्स। तो जस्ट हम दिखला रहे हैं एक पल्स लेकर, पल्स के सीड्स को लेकर के, ये है आपका टाइप ऑफ पल्स। क्या है ये टाइप ऑफ पल्स है? इस टाइप ऑफ पल्स में हम लोग जो है ये जो आप रेड कलर में या हल्का येलो कलर में देख रहे हैं, ये पार्ट्स जिसको हम लोग हटाते हैं, इसको हम लोग